बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल शरीफ आदमी। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सज्जाद। तो सब दोस्तों के प्यार का बहुत ज्यादा शुक्रिया। आज की यार मैं आपको सबसे खास बात ये बताऊं कि दोस्तों अब यार सर्दियां शुरू हो गई और आप देखिए यार मौसम जो है कितना प्यारा और कितना खूबसूरत मौसम है। और आप देखिए सूरज भाई किस तरीके से जो है बादलों के बीच में बिल्कुल यार छुपा हुआ है, और आपको पता है कि ये नजारा देखने में कितना ज्यादा मजा आता है। तो मैं आपको बताता चलूं कि यार आज का व्लॉग दोस्तों बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। सबसे पहले तो अपने वीडियो को स्क्राइब करके नहीं देखना, अगर आप स्क्राइब करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, क्योंकि आज हम अपने जो है ना यार किंग केज में बहुत ही ज्यादा जो है खास काम करने वाले हैं। और वो खास काम ये कि आज हम अपनी मुर्गी के दोस्तों अंडे उठाएंगे जो कुड़क होकर अंडों पर बैठी थी, जिसने यार छुप कर अंडे दिए हुए थे। और वो अंडे उठाने के बाद जो है ना फिर उस अंडों को यार आज हम दोस्तों तोड़कर चेक करेंगे कि भाई उनके अंदर बच्चे हैं या नहीं है। तो दोस्तों ओगी को यार मैंने बाहर तो निकाल लिया, लेकिन आज ये काफी ज्यादा गुस्से में, पता नहीं यार इसको जो ना क्यों इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो अब चलते हैं यार हम किंग केज में उस मुर्गी को यार चेक करते हैं वहां चढ़कर। और यहां पर यार ऊपर की तरफ जो चढ़ना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। तो आज तो आप समझ ले भाई इस मुर्गी का जो है बिल्कुल यार आखिरी दिन है, और आज मैं इसकी जो ना अंडे उठाकर रहूंगा भाई, क्योंकि काफी दिन हो गए हमने वेट किया है लेकिन अभी तक जो इसने यार बच्चे वगैरह नहीं निकाले। तो सबसे पहले तो आप इसको देखिए यार इसको गुस्सा कितना ज्यादा आ रहा है। तो चलिए दोस्तों अब इसको यार उठा देते हैं भाई, अब इसके गुस्से को हमने क्या देखना है। तो वैसे तो यार मुझे डर भी लग रहा है कि भाई ऐसा ना हो कि यार ये मेरा हाथ पर जो है काट वाट जाए। तो यहाँ पर यार इसके जो 6 अंडे हम इसको छोड़ देते हैं भाई नीचे की तरफ। चलो भाई तुम तो जाओ, ये भाई नीचे चली गई है। तो अब दोस्तों मुर्गी के अंडे तो यार मैं उठा देता हूँ, और ये देखें भाई ये हमारी मुर्गी के अंडे, पता नहीं यार इनके अंदर बच्चे हैं नहीं है, लेकिन अब जो है ना टाइम यार काफी ज्यादा ऊपर हो गया इस वजह से मैं उठा रहा हूँ। तो अंडों को मैं रख देता हूँ भाई यहाँ पर। तो सब जितने भी अंडे यार सबको उठाकर हम बाहर लेकर जाएंगे और वहां पर जो आराम से हम तोड़ेंगे, क्योंकि जो है ना अगर अंदर तोड़ूंगा तो काफी ज्यादा स्मेल हो जाएगी और दूसरे जो है बर्ड्स को भाई नुकसान हो सकता है। तो ये हमारे आ गए भाई 4 अंडे, और उसके अलावा ये 2 अंडे और भी आ गए। तो अंडों को दोस्तों मैंने यहाँ पर जो है रख दिया, और अब जो है यार यहाँ से नीचे उतरना है, और नीचे उतरना भी भाई काफी ज्यादा मुश्किल है यार, ऐसा ना हो कि भाई गिर जाऊं। तो ये भाई हमारी मुर्गी के अंडे आ गए, और पता नहीं यार हमारी मुर्गी कहाँ पर चली गई है। ये देखिए यार मुर्गी तो भाई यहाँ पर चढ़कर बैठ गई है, और ये जो है फुल जो है ना बिल्कुल गुस्से के मूड में, और मुझे ऐसे लग रहा है कि भाई इसको हमारे ऊपर जो है ना काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। लेकिन इसके अंडों को ले चलते हैं भाई अब हम बाहर, और दोस्तों बाहर ले जाकर यार इनको जो है मैं भाई आज जो है ना तोड़कर लाजमी चेक करूंगा। वैसे यार इसके अंदर से तो मुझे इस तरीके से लग रहा है कि इसके अंदर जो है ना पानी जैसा जो है ना मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, तो पता नहीं मुझे लग रहा है भाई खराब हो गए होंगे, और अगर किसी अंडे में बच्चा हुआ तो भाई ज्यादा अच्छा काम हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये मास्क भाई मैं ले आया हूँ, और मास्क तो मैंने लगा लिया यार, क्योंकि मास्क लगाना भाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अब यार हम तोड़ते हैं भाई अंडा, और अंडा तोड़ने के लिए जो है ना मैं ले आया हूँ यार ये आप देखिए भाई हमारे पास जो है यार ये छोटा सा ये चम्मच भी आ गया। अरे भाई तुम तो हट जाओ, हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, इनके आप काम चेक करें यार। ओ यार इसको किस चीज में निकाल के तोड़ो, इसको जो है ना यार किसी थैली वगैरह में तोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों ये मैं शॉपर में लेकर आ गया हूँ इसको यार, इस वजह से लेकर आया हूँ कि इसके ऊपर जो है अंडा तोड़ूंगा, अगर ऐसे तोड़ूंगा ना तो यार नीचे अगर वो जिस जगह भी गिरेगा ना तो इसकी स्मेल बहुत ज्यादा बुरी तरीके से आएगी। तो मुझे तो पता है भाई ये 5 के 5 अंडे भी बिल्कुल खराब है। तो चलो भाई भाग जाओ, हट जाओ हट जाओ दूर हट जाओ। ओ भाई तोड़ दिया यार, अरे तुम तो हट जाओ। ये देखिए भाई नजदीक, ये देखिए यार इसके अंदर से, ओए होए होए यार बहुत ही बुरे तरीके से भाई स्मेल आ रही है इसमें जो है ना। वापसी यार मैं बंद कर देता हूँ, एक काम करता हूँ यार एक अंडा और तोड़ता हूँ। तो आप यकीन करें यार ये मेरी हिम्मत है कि इस टाइम भाई मैं बैठा हुआ हूँ। चला अरे भाई तुम तो हट जाओ। ओ भाई इसके काम चेक करो यार, ये देखें भाई दूसरे भी यार अंडे में आप चेक करें। ओ भाई मेरे यार हाथ भी खराब हो गए। तो चलें भाई इसको तो भाई बांध ही देते हैं। तो आप देखें यार अब तो भाई मुझे यकीन हो गया, और आपको भी बिल्कुल यकीन हो गया होगा कि बाकी 4 अंडों का भी जो है ना यही हाल है। अब इससे जो है ना मजीद ज्यादा यार मैं नहीं तोड़ सकता, अगर मैं तोड़ूंगा तो भाई मेरा बचना मुश्किल हो जाएगा। और ये मैंने इसके अंदर यार बंद कर दिया, आप यकीन करें बस मेरी हिम्मत है भाई जो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। तो इसको तो यार अब साइड पे रख देता हूँ। एक चीज और दिखाऊं भाई, केटो को देखें यार, ये भी जो अंडे को भाई किस तरीके से मांग रही है, इसको पता नहीं कि अंडे के अंदर है क्या। तो इसके पास यार छोड़ता हूँ ये अंडे का भाई क्या करती है। ये लो भाई ले लो, ये देखिए भाई जला, ये देखिए यार केटो के आप काम से करें। ये लो भाई तुम ले लो भाई ये सारे अंडे, ये लो ले लो, ये देखिए यार ये देखें ये देखें भाई अंडे से खेल रही है, और अंडे को जो किस तरह से भाई खेल रही है और अंडे को खा रही है। तो ऐसा ना हो कि यार ये केज के अंदर अंडे को तोड़ दे और पूरे जो है ना इसके अंदर बदबू बिल्कुल निकल जाए। मैं एक काम करता हूँ भाई इसको यार उठा लेता हूँ भाई इनको।
तो बहुत ही ज्यादा यार मुश्किल से उठाए, और अब लेके चलते हैं भाई ओगी के पास और देखते हैं ओगी का क्या रिएक्शन होता है। ले लो यार खा लो। तो यार मैं ओगी के पास में अंडों को लेकर आया हूँ, लेकिन ओगी का आप रिएक्शन आप चेक करें भाई। ओगी तो जो है ना बिल्कुल यार अंडों को जो है ना बिल्कुल भाई अंडों के बारे में अंडों की तरफ देख ही नहीं रहा है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताता चलूं कि यार अब हमारी ये कोशिश है कि हमारा जो ना ओगी यार हमारे पास बस हैंड टाइम हो जाए, तो आप समझ लें यार ये बस मेरी ख्वाहिश है। तो अगर मैं इसके साथ इसी तरीके से जो है मेहनत करता रहूंगा तो इंशाल्लाह दोस्तों ये बहुत जल्द हैंड टाइम हो जाएगा। तो आप देखिए यार ये जो ना हाथ पर बैठा हुआ यार कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ भाई, आप इसकी जो है ना चोंच की आप इर्द गिर्द देखिए यार, ये अभी जो है ना दोस्तों बिल्कुल बच्चा है, ये अभी जो है ना फुल बड़ा नहीं है और अभी इसने जो ना मजीद बड़ा होना है। जब ये फुल बड़ा हो जाएगा तो फिर तो भाई आपको पता ही है कि ये बिल्कुल अलग चीज बन जाएगी और इसके अंदर जो खूबसूरती भी काफी ज्यादा आ जाएगी। तो बस यार हम जो इसका इसी तरीके से दोस्तों हर तरह से इसका ख्याल रखते रहेंगे तो इंशाल्लाह दोस्तों इसकी हमारे साथ जो ना काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाएगी और उसके बाद भाई फिर ये जो ना हमें नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा और हमें जो ना इससे डर भी नहीं लगेगा। लेकिन सच बात बताऊं यार अभी तो भाई इससे जो ना मुझे यार थोड़ा बहुत तो भाई डर लगता ही है कि ऐसा ना हो यार एकदम से जो है मेरे ऊपर भाई अटैक कर दे और जो है मुझे कोई नुकसान वगैरह पहुंचा दे। आई होप कि दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी करेगा, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल शरीफ आदमी को सब्सक्राइब लाजमी करेगा ताकि इसी तरह की जो है मजे मजे की वीडियो आपको मिलती रहे। ओके करता हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड, मिलते हैं आपसे एक न्यू व्लॉग में। ओके अल्लाह हाफिज़।